हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भुर्जी क्या होता है जिसे आप इंग्लिश में बेंचमार्क भी बोलते हो या फिर आप ग्रिड पिलर भी बोलते हो ओके सो सोग ये जब भी कंस्ट्रक्शन होता है शुरुआत में जब भी लेआउट किया जाता है ठीक है उसी समय बना लिया जाता है ताकि जो भी उसी के सुधाई में एक सिधाई में मतलब कॉलम बनाए जा सके तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जो ईटे का बना हुआ है ये दोनों ये भुर्जी है जिसे बोलते हैं बेंच और इसी के सामने यहाँ पर देख सकते हो ये मतलब ये अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसके जस्ट सिधाई में देखिए कॉलम बना हुआ है ठीक है तो इसी सिदाई को मेंटेन करने के लिए मतलब ये पहले से ही तैयार कर दिया जाता है और दोस्तों इस इस कॉलम के पीछे देखिए और भी दो कॉलम दिख रहे हैं आपको ठीक है तो उन दोनों कॉलम को भी मतलब एक धागे से एक, एक सीधी लाइन बना दी जाती है और उसी के बीच में कॉलम मतलब तैयार किया जाता है कास्ट किया जाता है ओके इसी तरह देखिए दोस्तों एक ये दूसरी भुर्जी है जो कि इधर के कॉलम के लिए बनाई गई है सो so गैस अभी आप लोग देख सकते हो ये दूसरी भुर्जी है जो जिसके सामने देख सकते हो सेम टू तो सेम एकदम सिधाई में देखिए कॉलम बना हुआ है और बाकी देखिए वहाँ पे काम चल रहा है डीपीसी बन रहा है अभी और ये देख सकते हो गैस इसके जेट सीधे है एकदम अलाइनमेंट ताकि सीधाई में कॉलम बन सके तो यही जो सीधाई मेंटेन करने के लिए ही इसे बनाया जाता है ओके लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग भुर्जी बनाई जाती है लेफ्ट कॉलम्स के लिए अलग और राइट के लिए अलग